हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस में बच्चों हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके 2023 के ओलंपियाड के लिए। तो इसके गाइडलाइंस को ओवरव्यू करते हैं हम। पहले इस पेपर में आपको ओएमआर शीट फिल करना होगा। उस ओएमआर शीट को फिल करने के लिए आपको 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या क्या डाटा आपको एंटर करना है, क्या फिल करना है, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और साथ में आपको साइन करना है। मोबाइल नंबर से क्या होगा बच्चा, आपके रिजल्ट और मार्क्स सेंड किए जाएंगे। जब ये डाटा फिल हो गए तो आपका ओएमआर शीट फिलिंग का काम हो गया। फिर आपको पेपर सॉल्व करना है। तो पेपर का क्या पैटर्न होता है, पेपर में तीन सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन, सेक्शन ए होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें होंगे 10 क्वेश्चन जो मैं डील करूंगा। सेकेंड सेक्शन आपका साइंस का सेक्शन है, जहां 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी होगा अचीवर सेक्शन, जहां 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस का वेटेज क्या है वो हम देखते हैं। इच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, यानी अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा वो 3-3 मार्क का होगा, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग और साइंस सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 1 मार्क इच। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन कितने हो गए आपके, टोटल क्वेश्चन हो गया 50, और इन 50 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स कितना हो गया 60। 5 क्वेश्चन अचीवर के, 3 5 15 वो हो गए, और बाकी 35 और 10 45 वो हो गया। तो 45 और 15 60 मार्क्स का पेपर हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ एक आंसर, मोर देन वन ऑप्शन कहीं भी करेक्ट नहीं होगा। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आंसर कैसे सेलेक्ट करना है, हमने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। अब ओएमआर शीट में उस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्कल्स दिए होंगे, हर क्वेश्चन नंबर के पास ए बी सी डी करके सर्कल बना होगा, उस सर्कल को ब्लू ब्लैक पेन से या HB पेंसिल से डार्क करना है। कैसे डार्क करना है, एक एग्जांपल में समझते हैं। यहां क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हुआ, वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। अब आ गए ओएमआर शीट पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। आंसर क्या मिला, बी चॉइस। ये देखो सर्कल है ए बी सी डी, बी के सर्कल को अच्छे से ब्लू ब्लैक पेन से या HB पेंसिल से डार्क कर देंगे, बी को डार्क कर दिए। रफ वर्क आपको क्वेश्चन बुकलेट में ही नीचे स्पेस प्रोवाइड होगा, वहां करना है। ओएमआर शीट में जो डाटा हमने फिल किया है और सर्कल के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, लास्ट में ओएमआर शीट सबमिट कर देना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, 2021 और 22 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये, क्यूब्स एंड डाइस से। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो भी हम डील करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ क्यूब। हमारे पास कितने पोजिशन दे रखे हैं, 3 पोजिशंस दे रखे हैं। क्या पूछा है, विच सिंबल विल बी ऑन द टॉप, टॉप पे कौन सा सिंबल होगा जब ये जो रेक्टेंगुलर सिंबल है वो बॉटम पे होगा। तो जब रेक्टेंगुलर सिंबल बॉटम पे होगा तो टॉप पे कौन सा सिंबल होगा। तो देखो बच्चा इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, तीनों पोजिशन को ध्यान से देखो। आप देखो इस पोजिशन को और इस पोजिशन को, इन दोनों में 3-3, ये तीनों एडजेसेंट फेस हमको दे रखे हैं, और इनमें क्या है, दो कॉमन वैल्यूज है। ये देखो ये शेप कॉमन है और ये कॉमन है। कभी भी जब हमें दो पोजीशन दे रखा हो और उनमें दो एडजेसेंट फेस कॉमन होता है तो थर्ड फेस जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है।
कौन सा बचा हुआ पार्ट है, ये और ये, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर हम दो पोजीशंस को कंपेयर करेंगे जिनमें दो दो एडजेसेंट फेसेस कॉमन होंगे, तो जो तीसरा एडजेसेंट फेस होगा दोनों का एक दूसरे के अपोजिट फेस बन जाएगा सेम डाइस में। तो क्या बना, ये सिलेंडर जो है दोनों में है, ये स्क्वायर दोनों में है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट क्या आएगा, ये हमारा कोन आएगा। रेक्टेंगल का अपोजिट क्या आएगा, कोन आएगा। तो क्या बोला है, अगर रेक्टेंगल बॉटम पे होगा तो अपोजिट फेस क्या होगा, ये हमारा कोनिकल पोर्शन होगा अपोजिट फेस। देखिए आंसर ए। तो हमने क्या देखा यहां कि अगर हम दो पोजीशंस को कंपेयर कर रहे हैं उनमें दो दो फेसेस कॉमन है, तो तीसरा एडजेसेंट फेस जो दोनों का होगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हमारा कोनिकल पोर्शन। अब इससे रिलेटेड दो फंडा ध्यान से सीख लो। यहां पे हमको दो पोजीशंस दे रखा है, दो पोजीशंस दे रखा है, इनमें कॉमन कितना है, इन दो पोजीशंस में कॉमन कितना है, एक एक एडजेसेंट फेस कॉमन है, ये और ये कॉमन है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो अब हम यहां ध्यान से करेंगे क्या, जो कॉमन फेस है उसको लेंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे, कॉमन फेस को लेके क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जब फर्स्ट वाले पोजीशन को लिए तो कोन आया, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कोन के बाद सर्कल आएगा और सर्कल के बाद ये ट्रायंगल आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले पोजीशन से हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम अपने सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या बोले, कॉमन पार्ट से क्लॉकवाइज मूव करो, कॉमन पार्ट से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो कॉमन हमारा क्या है, कोन तो हमारा कॉमन है दोनों में। अब कोन के बाद क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। अब यहां से क्या पता चला, जो भी फेसेस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस हो जाएंगे। इस ट्रायंगल का अपोजिट फेस क्या होगा, स्क्वायर, इस सर्कल का क्या होगा, सिलेंडर। समझ आ गया। अगर हम डाइस की बात करते हैं, अगर हम डाइस की बात करते हैं, देखो अगर हम डाइस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हम डाइस का दो पोजीशन ले लिए, डाइस का दो पोजीशन लिए, अब इस पे हम मार्किंग कर देते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हैं हमारे पास। सपोज करो इस फेस पे 1 है, इस फेस पे 3 है और इस पे 5 है। ओके, अब यहां आते हैं, इस पे मान लो 1 है, इस पे 4 है और इस पे 6 है। अब जब हम इन दोनों पोजीशंस को देख रहे हैं तो एक वैल्यू हमारे पास कॉमन दिख रहा है, एक वैल्यू कॉमन दिख रहा है, 1 हमारे पास कॉमन दिख रहा है, उसके अबाउट मूव करो, 1 क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 1 3 5, सेकंड वाले में जाओ 1 4 6, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4, 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6। डाइस तो पक्का पता है हमें 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 3 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया और वैल्यू क्या बच रहा है, 2, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो डाइस से ये पता हमें चल गया। क्या करना है, जब दो पोजीशंस को कंपेयर करेंगे एक वैल्यू कॉमन होगा उसको लेके क्लॉकवाइज मूव करेंगे और उनको अरेंज कर लेंगे, जो जिसके सामने आएगा वो उसका अपोजिट फेस बन जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक फंडा और है, अगर एक कॉमन है वो हो गया, अगर दो कॉमन है, दो कॉमन है, ये हमारा देखो ध्यान से देखो, सिलेंडर और सिलेंडर कॉमन है, स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन है, तो अगर दो फेसेस कॉमन है उस केस में हम क्या करेंगे, जो थर्ड फेस दोनों का होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इन टू पोजीशंस इफ टू एडजेसेंट फेसेस आर कॉमन देन द थर्ड फेस ऑफ फर्स्ट पोजीशन is opposite
टू द थर्ड फेस ऑफ सेकेंड पोजिशन। और थर्ड फेस किसको कह रहे हैं, जो तीन हमारे पास एडजेसेंट फेसेस दिए हुए हैं, तो जो दो कॉमन है उसके बाद जो तीसरा बचा उसको हम थर्ड फेस कह रहे हैं। ठीक है, अब क्यूब एंड डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये दो कॉन्सेप्ट से हमेशा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लॉजिकल वेन डायग्राम का। इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को एक साथ कंबाइन किया है, उनके बीच में रिलेशन दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है। देखो क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। अब ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जो एजुकेटेड है, जो एजुकेटेड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर्कल, एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो विलेज एरिया में रहते हैं, पीपल हु आर लिविंग इन विलेज एरिया, जो विलेज एरिया वाले हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल। स्क्वायर कर रहा है जो सिटी में रहते हैं, सिटी वाले को स्क्वायर कर रहा है, विलेज वाले को रेक्टेंगल कर रहा है। और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड सर्कल, इसके लिए चाहिए हमको सर्कल। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कहां है, ट्रायंगल, यानी सर्कल में भी हो वो वैल्यू, ट्रायंगल में भी हो, एंड लिविंग इन सिटी, सिटी यानी कि स्क्वायर। तो हमको ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि सर्कल में भी हो, ट्रायंगल में भी हो और स्क्वायर में भी हो। ध्यान से देखो, ये रहा स्क्वायर, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा सर्कल, इन तीनों में ये वैल्यू है, ये 147 स्क्वायर में भी है, 147 ट्रायंगल में भी है, 147 सर्कल में भी है, यानी हमें वो वैल्यू चाहिए जो इन तीनों में कॉमन हो। तो हाउ मेनी एजुकेटेड पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड लिविंग इन सिटी, क्या आंसर मिला, 147। देखो 147 हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल होता है लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन, सिर्फ आपको उस ज्योमेट्रिकल शेप में वैल्यू ढूंढ लेना होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ देखना होता है लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देखना होता है और इनपुट से कंपेयर कर लेते हैं कि क्या अरेंजमेंट पूछा गया है, क्या अरेंजमेंट पूछा गया, और यहां लास्ट स्टेप बताता है क्या अरेंजमेंट हो रहा है, क्या अरेंजमेंट हो रहा है। तो अब इससे रिलेटेड कैसे होता है क्वेश्चन, एक इनपुट दिया रहता है, ये रहा हमारा गिवन इनपुट, इस इनपुट को अलग अलग स्टेप्स में अरेंज किया गया है, इस इनपुट को अलग अलग स्टेप्स में अरेंज किया गया है और फाइनल अरेंजमेंट ये रहा हमारा। अब जरा ध्यान से देखो, डाटा क्या है, माई 84, वेरी 46, इफिशियंट 32, मदर 70। तो यहां पे आउटपुट क्या मिला, इफिशियंट 84, मदर 70, माई 46, वेरी नंबर। जो मेरा इनपुट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, नंबर्स है और वर्ड्स है। फाइनल आउटपुट क्या बोले, आप डायरेक्ट देखोगे लास्ट स्टेप को, लास्ट स्टेप ध्यान से देखो, जो वर्ड्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, सबसे पहले ई आता है, फिर एम आता है, मदर आएगा, फिर माई आएगा, फिर वेरी आएगा, यानी जो वर्ड्स है इनको अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनको अरेंज कर रहे हैं किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और नंबर्स को ध्यान से देखो, 84, 70, 46, 32, नंबर्स अरेंज हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी इनपुट के बाद हमें क्या देखना है, सबसे लास्ट स्टेप। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो जो स्टेप पूछेगा वो स्टेप हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर पूछेगा नंबर ऑफ स्टेप्स क्या लग रहे हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। और यहां पे क्या पूछा है, यहां पूछा है स्टेप थ्री दिया हुआ है, स्टेप थ्री दिया हुआ है और पूछा है इसका इनपुट क्या होगा। देखो ये फ्री मार्क्स है, ये फ्री मार्क्स है। कभी भी अगर आपको सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग के क्वेश्चन में इनपुट पूछता है, इनपुट आप कभी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हो, इनपुट आप कुछ भी दे दो अरेंज तो कर ही देगा, इनपुट आप कभी भी नहीं डिटरमाइन कर सकते हो। ये फ्री मार्क्स था पेपर में, ये फ्री मार्क्स था। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द इनपुट, उसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। इनपुट आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपसे पूछ रहा है अरेंज करके स्टेप नंबर वन बताओ, टू बताओ, थ्री बताओ, लास्ट स्टेप बताओ, ये बता सकते हो। कभी भी अगर पूछे कि इनपुट क्या होगा वो आप कभी नहीं बता सकते। तो आंसर क्या हुआ, कांट बी डिटरमाइंड, ये फ्री मार्क्स था।
जब भी सिक्वेंशियल अरेंजमेंट या क्वेश्चन में इनपुट पूछे हमेशा कांट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, ऑलवेज 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में आंसर यही होता है जब भी इनपुट पूछता है। चलिए अगले टॉपिक पे जाते हैं, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है। इसमें एक छोटा सा चीज आप जान लो, इसमें हम मेथड क्या लगाते हैं, इजिएस्ट मेथड है फैमिली ट्री मेथड। फैमिली ट्री मेथड में क्या करते हैं, जो सेम जनरेशन के होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके चलते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर या फिर हमारा कजन, वो सब सेम जनरेशन के, हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे। मम्मी पापा हमसे एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, दादाजी दादी जी, नाना जी हमसे नानी जी दो जनरेशन ऊपर जाएंगे। तो जो सेम जनरेशन के होते हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाएंगे, जो डिफरेंट जनरेशन के होते हैं वो वर्टिकली ऊपर चलते जाते हैं, पहला फंडा। और दूसरा फंडा क्या है, मेल के लिए हम, अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन के डेटा को देखते हैं, क्या कह रहा है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू का सन है, सन है तो भाई एक जनरेशन नीचे आएगा, डिफरेंट जनरेशन का है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू। अब क्यू का जेंडर मेंशन नहीं किया है, पी सन है तो मेल हो गया, क्यू का जेंडर नहीं मेंशन किया है, क्यू मम्मी भी हो सकती है पापा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहीं आगे पता चले, क्यू एंड आर आर सिस्टर्स, क्यू और आर जो है वो सिस्टर्स है, अलग अलग डाटा के लेवल को अलग अलग कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू और आर सिस्टर्स है। जब क्यू और आर सिस्टर्स है तो दोनों का जेंडर पता चल गया, क्यू फीमेल होगी और सिस्टर है तो सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लेवल, क्यू और आर सिस्टर्स हो गई, क्यों सेम लेवल पे आई है, क्योंकि सेम जनरेशन से बिलोंग करता है। आगे टी इज द मदर ऑफ आर, मदर है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगी, और किसकी मदर है, आर की, तो एक जनरेशन ऊपर भेज दो टी को, टी एक जनरेशन ऊपर चले गई, टी इज द मदर ऑफ आर। आगे क्या कहता है, इफ एस इज द सन ऑफ टी, एस जो है वो टी का बेटा है, ध्यान से देखो, एस जो है वो टी का बेटा है, ये दोनों टी की बेटियां है, एस जो है वो टी का बेटा है, ऐसे बना दें, क्यू और आर का भाई हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या कहा, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू, सन है तो एक जनरेशन नीचे आ गया, क्यू एंड आर आर सिस्टर्स, क्यू और आर सिस्टर्स है सेम जनरेशन पे, सेम जनरेशन और सिस्टर्स है, दोनों बहने हैं तो माइनस लगा दिया फीमेल जेंडर के लिए। टी इज द मदर ऑफ आर, मदर है तो एक जनरेशन ऊपर और मदर है तो फीमेल, माइनस लगा दिए। फिर S इज द सन ऑफ T, S जो है वो T का बेटा है तो एक जनरेशन नीचे, और ऑलरेडी T की दो बेटियां दी हुई हैं तो सेम लेवल पे आ गया, और सन है मेल तो प्लस साइन लगा दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, क्या करेक्ट है, T इज द ब्रदर ऑफ Q, भाई T तो ऊपर है, T तो मदर है Q की, तो ब्रदर तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एस इज द कजन ऑफ पी, एस तो उससे एक जनरेशन ऊपर है, और कजन्स क्या होते हैं, सेम जनरेशन पे होते हैं, एस कजन होगा नहीं, गलत जवाब। क्यू एंड एस आर सिस्टर्स, क्यू फीमेल है एस मेल है, दोनों सिस्टर तो हो नहीं सकती, ब्रदर सिस्टर है, ये भी गलत है। फिर क्या दिया हुआ है, एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, देखो मैटरनल होता है जो हमारे मम्मी के साइड से होते हैं, जैसे मामा जी मामी जी मौसी मौसा, ये सब मैटरनल कहलाएंगे, मामा जी कहलाएंगे मैटरनल अंकल, मामी कहलाएंगी मैटरनल आंट, मौसी कहलाएंगी मैटरनल आंट, मौसा जी कहलाएंगे मैटरनल अंकल। अगर चाचा जी हैं तो पापा के साइड से हैं, वो कहलाएंगे पैटरनल अंकल, अगर चाची हैं पैटरनल आंट, बुआ जी हैं पैटरनल आंट, फूफा जी हैं पैटरनल अंकल। तो यहां पे ध्यान दो, एस जो है वो पी के मम्मी से रिलेटेड है और एक जनरेशन ऊपर है, यानी उसका मामा जी है, और मामा जी है तो मैटरनल और अंकल, तो एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, ये मेरा सही आंसर है। देखो तो क्या मिल गया हमको, एस जो है वो उसके मम्मी से रिलेटेड है तो मैटरनल अंकल, देखो जरा बिल्कुल ठीक है मैटरनल अंकल। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में मेल के लिए प्लस साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, सेम जनरेशन पे होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हमसे ऊपर जनरेशन पापा मम्मी एक जनरेशन ऊपर, नाना जी नानी जी देखो ये उसकी नानी जी है दो जनरेशन ऊपर हो गई, तो बस ब्लड रिलेशन में इतना सा ही फंडा है, इतना सा पे ध्यान दोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ये है हमारा सीरीज नॉन वर्बल सीरीज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो
यहां पे अप्रोच हमेशा एलिमिनेशन का रखना, हमेशा एलिमिनेशन का रखना। एलिमिनेशन अप्रोच से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इजिली सॉल्व हो जाते हैं। किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लो, हर एक बॉक्स में चार वैल्यू दिया हुआ है, हर बॉक्स में चार वैल्यू दिया हुआ है, किसी एक को पहले सेलेक्ट करो। चलो इसको सेलेक्ट करते हैं। यहां पे जो है अगले में क्या हुआ है, एक प्लेस मूव किया है और अपने अपोजिट हो गया है, पक्की बात। अब यहां से कैसा मूव कर रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एक प्लेस और उल्टा हो जा रहा है। देखो अब यहां से एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चला गया और उल्टा हो गया, अगले में यहां से यहां आ गया उल्टा हो गया, उसके बाद यहां से वो वापस यहां आएगा उल्टा हो गया, तो इसके बाद कहां जाएगा, यहां से यहां पहुंचेगा और किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन को फेस करेगा। क्या बोले, किसी एक को सेलेक्ट करो और एलिमिनेशन लगाते जाओ, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां से यहां जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन। अब चेक करो, नीचे गया सर काट दो, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 50-50 हो गया, अब दो में सेलेक्ट करना है। तो पहला एलिमेंट हमको दो ऑप्शन को एलिमिनेट करा दिया, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, देखो ट्रायंगल दोनों में उल्टा उल्टा है, तो ट्रायंगल का हम पता लगाएं तो काम हो सकता है, देखते हैं। यहां पे जो ट्रायंगल है फर्स्ट स्टेप में ऊपर गया है एंटी क्लॉकवाइज और बिल्कुल सेम है, अगले वाले में एंटी क्लॉकवाइज तो गया है लेकिन उल्टा रिवर्स हो गया है, तो एक बार सेम एज इट इज एक स्टेप ऊपर जा रहा है, सेकंड वाले में उल्टा होके एक स्टेप ऊपर जा अपने क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सेम रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज गया एक बार सेम और एक बार उल्टा, अब अगले वाले में उल्टा होके जाना है, उल्टा हो गया, इसके बाद क्या होगा, उल्टा हो चुका है, अब सेम जाना है, क्या जाना है, सेम, यहां पे सेम जाना है, इसको यहां सेम रहना है। तो देखो ध्यान से, अगर ये ऐसा है, ये अगर ऐसा है और अगले वाले में एज इट इज एक स्टेप क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा बनना चाहिए। ध्यान से देखो, वहां पे ट्रायंगल उल्टा हो गया है, यानी जो अपना चॉइस है वो मैच कर रहा है डी में, अपना चॉइस किस में मैच कर रहा है, डी में। आंसर क्या है, डी। क्या बोले, बहुत सिंपल, एलिमेंट्स दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, उनको सेलेक्ट करो और एक एक एलिमेंट के साथ अपना एलिमिनेशन शुरू करो। देखो क्या किए, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप जा रहा है और उल्टा होता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप उल्टा हो गया, अब ये ऊपर की तरफ फेस करेगा, यहां आ गया, नीचे की तरफ, यहां ऊपर की तरफ, जैसे ही पता चला ऊपर की तरफ, यहां देखा सर ये नीचे नीचे है, एलिमिनेट, बचा कितना, दो चॉइस बच गया, बी और डी। अब ट्रायंगल को देख रहा है, ट्रायंगल क्या हो रहा है, एक प्लेस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है सेम, यानी एक बार सेम, अगली बार फिर एंटी क्लॉकवाइज लेकिन उल्टा, तो एक बार सेम एक बार उल्टा, यहां पे सेम गया है, यहां उल्टा हुआ है, अपोजिट हुआ है, फिर यहां सेम गया, यहां अपोजिट हुआ, अगले वाले में सेम जाना है, सेम जाना है, तो इस तरह का है, एज इट इज एक स्टेप ऊपर जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए, ये अपने को डी दिख रहा है। तो सीरीज का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इतने में मत उलझो, किसी एक को सेलेक्ट करो और एलिमिनेट करके बना लो। अब आता है मिसिंग कैरेक्टर का, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, चार रो है और चार कॉलम है, तो मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन में आइदर रो वाइज पैटर्न लगता है या कॉलम वाइज पैटर्न लगता है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको टाइम लेते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी होने लगता है क्वेश्चन। देखो पहले कॉलम में क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग कॉलम वाइज एनालाइज करते हैं, हो सकता है हो जाए काम हमारा, तो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, 18, 14, 5 और फिर लास्ट में 108। जब लास्ट का वैल्यू बहुत बिगर हो जाए, यानी ये कुछ कह सकते हैं ऊपर के तीनों को यूज करके लास्ट वाले वैल्यू को ला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं क्या होता हुआ दिख रहा है, 18 प्लस 14 32 प्लस 5 37 और 37 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे 108 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। तो एक और चीज देखो, फर्स्ट वाले कॉलम में अगर हम लेते हैं इन दोनों को प्लस किए, 18 प्लस 14 32, एक बार 5 को प्लस किए थे, अब एक बार 5 को माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 18 प्लस 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 27, 108 है, यानी कि अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो सर 108 आ गया। तो क्या पैटर्न हुआ, ये मिला, एक जगह और इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 17 प्लस 21 माइनस 2, क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 144 आएगा, 17 प्लस 21 38 माइनस 6 36 इंटू 4 144, यानी सर पैटर्न तो यही लग रहा है,
फर्स्ट दोनों वैल्यू को ऐड करना है, थर्ड वाले को माइनस करके फोर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको जरा जल्दी से। क्या दिया हुआ है 1925 प्लस 25 माइनस, मान लो यहां पे एक्स है, एक्स इंटू फोर इज इक्वल टू 160, ये बनता हुआ दिख रहा है। इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 19 प्लस 25 कितना होगा, 44 माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 बाई 4 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, आके डिवाइड कर दिया। 44 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, सॉल्व किया तो x का वैल्यू क्या आ गया 4, यानी यहां पे होगा 4। आंसर क्या मिला, बी। देखो आंसर क्या मिला, बी। क्या कर रहे थे, कॉलम वाइज पैटर्न है, फर्स्ट दोनों वैल्यू को ऐड कर रहे थे, उसमें से थर्ड वाले को माइनस करके फोर से मल्टीप्लाई करते रहे थे। सिंपल पैटर्न है, ध्यान दोगे इजिली हो जाएगा। अब ये आता है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। इसमें क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर दिया होता है, उसको अलग अलग लेयर्स में फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद लास्ट के फोल्डिंग के बाद कुछ कटिंग कर देते हैं और कहता है अगर ये फाइनली पूरी तरह से खुल जाए तो कैसा दिखेगा। जैसे दिख रहा है क्या, ये पेपर है, पहले ये दोनों साइड्स को फोल्ड किए, अब इस तरह का बन गया, ये मेरा शीट बन गया फोल्ड करने के बाद। अब इसको डायगनली फोल्ड कर दिया, जब डायगनली फोल्ड किए तो ये मेरा शीट बन गया, उसके बाद इस फेस के अबाउट फोल्ड कर दिए तो लास्टली मेरा ये शेप बचा है। जब ये शेप मिला इसमें ये दो कटिंग कर दिए। देखो बहुत सिंपल है, करते क्या है, अनफोल्डिंग करते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग। क्या कहने का मतलब है, हम सबसे लास्ट में यहां फोल्ड किए हैं ना, तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, और जिस लाइन के अबाउट फोल्ड करते हैं वो मिरर की तरह एक्ट करता है। द लाइन ऑफ फोल्डिंग, द लाइन अबाउट विच द शीट इज फोल्डेड एक्ट्स एज अ मिरर, एक्ट्स एज अ मिरर। तो ध्यान से अब देखते चलो, उल्टा चलते हैं, जब यहां पहुंचेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। अगर ये मिरर है, ये मेरा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है यहां और यहां, अगर ये हमारा लाइन ऑफ फोल्डिंग है, ये लाइन ऑफ फोल्डिंग है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ मिरर बिहेव करेगा। तो यहां से अगर ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस डॉट का इमेज यहां बन जाएगा, इस डॉट का इमेज यहां बन जाएगा। पहला अनफोल्डिंग हो गया, अब आते हैं सेकेंड अनफोल्डिंग पे। सेकेंड अनफोल्डिंग जब करेंगे, देखो ये अभी डॉटेड रहेगा, ये अभी डॉटेड है। सेकेंड अनफोल्डिंग जब करेंगे तो अपने को ये पूरा का पूरा शीट मिल जाएगा, जिसमें इतना ऑलरेडी मिला हुआ है, एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल। अब इस लाइन के अबाउट फोल्ड किए थे, ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, ये जब मिरर की तरह एक्ट करेगा तो क्या दिखेगा, यहां जाओ इसका इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज यहां, और इन दोनों का इमेज यहां बनेगा। यहां तक अनफोल्डिंग हो गया, जब लास्ट लेयर ऑफ अनफोल्डिंग करेंगे तो इन दोनों के अबाउट अनफोल्ड करेंगे, तो इन दोनों के अबाउट जब अनफोल्ड करेंगे तो ऐसा शीट मिलेगा। ये मेरे पास पहले से है, ये मेरे पास पहले से है जो दो फोल्ड अनफोल्डिंग किए हैं, तो ये एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। जब ये मिरर की तरह एक्ट करेगा तो कैसा बनेगा, ये जब ये मिरर की तरह एक्ट करेगा तो ये कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, इसका इमेज यहां आ जाएगा, इसका इमेज यहां आ जाएगा। ये जब मिरर की तरह एक्ट करेगा तो कैसा बनेगा, इसका इमेज यहां और इसका इमेज यहां आ जाएगा। और कुछ होगा, इसका इमेज भी यहां पे आएगा, देखो इस कॉर्नर वाले का इमेज, इसका इमेज यहां, इसका इमेज यहां आएगा, इसका इमेज यहां आएगा। तो ये मेरा फाइनल शेप बनेगा अनफोल्डिंग करने पे। ये किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, कटिंग तो कहीं किए नहीं हो और इन सब में ये एरो एरो लगा दिया है, तो कटिंग तो कहीं हो नहीं रहा है, यानी ये फाइनली किससे मैच किया, ए से। तो इसमें आपको सॉल्व भी ज्यादा नहीं करना था, अगर कटिंग होता तब तो ये शेप चेंज होता, अगर शीट ऑफ पेपर मेरा स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, चेंज तो करेगा नहीं। तो ये कटिंग दे दिया, कटिंग मतलब ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है।
आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो इसमें पेपर में क्या होता है, आइदर कभी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है या फिर कभी वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है। अगर आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है तो क्या होता है, मिरर इमेज में जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज कहने का मतलब है यहां पे मिरर लग जाएगा, यहां पे मिरर लग जाएगा। तो जब भी वाटर इमेज होता है तो जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है, जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है। वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप क्या बन जाता है, बॉटम, और जो बॉटम पे रहेगा वो क्या बनेगा, टॉप बनेगा। तो अब इसका हम लोग चेक करते हैं, और एलिमिनेशन हमेशा ध्यान रखना, एलिमिनेशन हमेशा ध्यान रखोगे जल्दी से बन जाएगा। देखो ये बॉटम पे है, ये एरो बॉटम पे है, तो ये क्या होगा, टॉप पे आ जाएगा। अब चलो इसके बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं, टॉप पे इस डायरेक्शन में सारा ऑप्शन रहेगा, सर ये एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं, ये देखो ये कैसा है, ये पार्ट मिरर के नियर बाई है और ये पार्ट दूर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। अब आते हैं एलिमिनेशन पे, ध्यान से देखो यहां पे ये इसका पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगा भाई, जब ये इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, कर्वेचर ऊपर की तरफ है, तो उल्टा कैसे हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। चलो देखो ये जो एरो है, ये पार्ट मिरर के नजदीक है, ये पार्ट जो है वाटर के नजदीक है, तो जो नजदीक होता है वो इमेज में भी नजदीक रहता है, तो ये एरो यहां नजदीक होगा और ये दूर जाएगा। तो अब कंपेयर करो, दो ऑप्शन बचे हैं, इस ऑप्शन में ध्यान से देखो अपना सारा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, सारा कंडीशन, ये रिवर्स हो गया है, ये रिवर्स हो गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो इमेज बनेगा उसमें जो नजदीक रहेगा वो नजदीक जाएगा, जो दूर रहेगा वो दूर जाएगा, जो टॉप पे है वो बॉटम बन जाएगा, जो बॉटम पे है वो टॉप बन जाएगा। ये बॉटम पे है, इसके बॉटम पे है तो टॉप बन गया, जो टॉप पे है वो बॉटम बन गया। यानी आंसर अपने को क्या मिला, फाइनली डी इसका आंसर है। तो पूरा का पूरा इमेज मत ड्रॉ करना, आंसर अपने पास है, किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके एलिमिनेट कर लेना। अब आता है कोडिंग डिकोडिंग, क्या दिया हुआ इसमें, अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनको कोड किया गया। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, उसके लिए कोड क्या यूज किया है, रीपासी। दे फ्लाई इन द स्काई, क्या कोड यूज किया है, जी कारी सोटा। ये कुछ भी सिंपल रैंडम कोडिंग है, बर्ड्स कैन फ्लाई, कारे मू, स्काई इज ब्यूटीफुल, सो वी सी। अब अपने को करना क्या होता है, हम दो स्टेटमेंट्स को साथ में कंपेयर करते हैं, स्टेटमेंट में जो वर्ड कॉमन होता है उसका कॉमन कोड दोनों में जो मिलता है वो उसका कोड बन जाता है, ठीक है। जैसे हमको क्या पूछा है, ब्यूटीफुल का कोड पूछा है, तो स्टेटमेंट सेलेक्ट करो दो स्टेटमेंट जिसमें ब्यूटीफुल है, एक इस स्टेटमेंट में ब्यूटीफुल है और एक इस स्टेटमेंट में ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, स्काई इज ब्यूटीफुल, इन दोनों में कॉमन वर्ड सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल है, इन दोनों में कॉमन वर्ड सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल है। तो कॉमन कोड क्या दिख रहा है, रीपासी सो वी सी, कॉमन कोड क्या है, सी यहां भी है और सी यहां भी है। आसानी से ब्यूटीफुल का कोड मिल गया, क्या, सी ऑप्शन सी। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या किए, जिसका कोड पूछा है वो वर्ड देखे किन दो स्टेटमेंट में कॉमन है, वहां से उसका कोड, जो कॉमन कोड होगा वो फाइंड कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब आता है हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ डेटा दिए होते हैं, उसके बेसिस पे हमें इस पजल को सॉल्व करना होता है। क्या कह रहा है, फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी, पांच लोग हैं, गिव एग्जाम इन डिफरेंट शिफ्ट ऑन फाइव डिफरेंट डेज, पांच अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं और पांच अलग अलग दिनों पे, जिनमें सैटरडे संडे नहीं होगा। तो कौन कौन दिन, कौन कौन से दिन वो एग्जाम देंगे, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये पांच दिन वो एग्जाम देंगे। अब आगे क्या कहता है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एग्जाम ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को कौन एग्जाम दे रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो इस इंफॉर्मेशन को जरा हम कन्वर्ट करते हैं, देखो एक ब्लैंक स्टाइल लेते हैं, ये रहा। अब इसके लिए हम बनाना शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ है, पांच लोग दिए हुए हैं और पांच दिन दिए हुए हैं। ये शिफ्ट है, ये पोर्शन है,
और ये डे है, शिफ्ट पांच है, 1 2 3 4 5। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन का डाटा देखते हैं क्या कह रहा है। आर गिव्स द एग्जाम ऑन द डे जस्ट बिफोर एस, यानी आर जो है वो एस के जस्ट पहले एग्जाम देगा, यानी आर जो है वो एस के जस्ट पहले देगा एंड जस्ट आफ्टर टी। आर एस के पहले देगा और टी के बाद देगा, मतलब ये टी आर और एस तीन लगातार दिनों पे एग्जाम देंगे, ये पहला लाइन कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, क्यू गिव्स द एग्जाम ऑन फर्स्ट शिफ्ट, यानी पहले शिफ्ट में कौन दे रहा है, क्यू, एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक के पहले दिन पे, यानी क्यू का तो पता चल गया कि ये मंडे को एग्जाम दे रहा है भाई। सेकंड डाटा क्या कह रहा है, पी गिव्स द एग्जाम इन थर्ड शिफ्ट, पी थर्ड शिफ्ट में दे रहा है, पी को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिला दिए। नेक्स्ट, एस गिव्स द एग्जाम इन सेकंड शिफ्ट, एस जो है वो सेकंड शिफ्ट में दे रहा है और कब दे रहा है, फ्राइडे को। आओ जरा वापस आओ, अब क्या कहा, एस अगर फ्राइडे को दे रहा है तो पी आर जो है उसके जस्ट पहले देगा, तो आर देगा थर्सडे को, तो टी कब देगा, वेंसडे को। अब हमसे क्या पूछा था, ट्यूजडे को कौन पेपर देगा, टी गिव्स द एग्जाम इन द लास्ट शिफ्ट, आखिरी शिफ्ट में टी देगा, कौन कौन थे, पी क्यू आर एस टी, पी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो आर यहां पे होगा। अब देखो ध्यान से, पी कौन से दिन दे रहा है, पी का नहीं पता है, एस दे रहा है फ्राइडे को, फ्राइडे को, आर दे रहा है थर्सडे को, आर दे रहा है थर्सडे को, टी दे रहा है वेंसडे को, कौन सा दिन बचा, मंडे हो गया, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हो गया, बचा है ट्यूसडे, तो पी दे रहा है ट्यूसडे को। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एग्जाम ऑन ट्यूसडे, कौन मिला ट्यूसडे को, ट्यूसडे को पी, यानी इसका आंसर हो गया पी। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, डिटेल एनालिसिस है ये, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा बच्चा। हमारा एम है 2023 NSO। अब ये लॉजिकल रीजनिंग का हो गया, बाकी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों बाय बाय।